Next question is, what is gravitational potential energy? 1 mark. Obtain an expression for gravitational potential energy. 3 marks. Now देखो, हमने कहा ये हमारे पास अर्थ है, मास इसका है m, ये है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से हम कोई भी मास ला रहे हैं, और जब ये मास हम यहाँ पे m ले आए, स्मॉल m, ये वाला डिस्टेंस था x या r, कुछ भी मान लेते हैं। एट अ डिस्टेंस m, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को लगेगी? इधर को, ये रही हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया? कैपिटल G m e m अपॉन r का स्क्वायर, ये हम कर चुके हैं पहले। नाउ अगर इस फोर्स की वजह से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dr, तो हमारे पास वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन dw is fg dot dr, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा हमारे पास क्या आ रहा है? 0 degree, तो ये आ गया fg into dr into cos 0 degree, cos 0 degree क्या होता है? 1, ये हमारे पास आया g mem upon r square into dr। Now अगर हम इन्फिनिटी से यहां तक का वर्क डन देखते हैं, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास स्मॉल m फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r इन ब्रिंगिंग एनी मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हम यू जी से भी कभी कभी डिनोट करते हैं। ये हम क्या कर देते हैं? इंटीग्रल कर देते हैं डी डब्ल्यू का, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी टू अ पॉइंट आर। ये हमारे पास क्या आया? कैप एफ डी आर का इंटीग्रल, एफ डी आर हमारे पास था जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रल। जी एम ई एम कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ गए, जी एम ई एम 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट आर। हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, देखो क्या आया, जी एम ई एम 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रल इज माइनस 1 अपॉन आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट आर। यहाँ रफ में देख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बना, एक्स की पर माइनस 2 डी एक्स का इंटीग्रल। इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स की पर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। x की पर माइनस 2 प्लस 1 क्या आया? x की पर माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 आया माइनस 1, दिस बिकम्स माइनस 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन r स्क्वायर dr इज माइनस 1 अपॉन r, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लिमिट खोल लेते हैं, इज g m e m, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, माइनस साइन, 1 अपॉन अपर लिमिट r माइनस 1 अपॉन लोअर लिमिट इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, दिस कम्स आउट टू बी, ये आया माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी?
gravitational potential energy is the work done in bringing a mass m from infinity to a point r. किसमें स्टोर होगा? me और m में, दोनों में ये gravitational potential energy स्टोर हो जाएगी. Now हमने कहा at infinity gravitational potential energy कितनी आना चाहिए? आर हमारे पास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम ई एम अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज ज़ीरो. दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी ज़ीरो, दिस कैन बी टेकन एज अ स्टैंडर्ड. ठीक है, यहीं से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी शुरू होगी. तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कैसी है? नेगेटिव. अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इट विड मीन दैट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर आल्सो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, और स्मॉल एम इज बाउंड टू एम ई. अर्थ के लिए हमारे पास स्मॉल एम बाउंड है अर्थ पर. नाउ फ्रॉम इट्स डेफिनेशन हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनर्जी ऑफ फर्स्ट मास, पहले मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनर्जी, ये रहा हमारे पास पहला मास एम वन. इसको लाने के लिए कोई फोर्स अट्रैक्ट नहीं कर रही थी, ना कोई रिपेल कर रही थी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट मास इज ज़ीरो. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस, ये मास एम वन लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं था. अगर हम मास एम टू लाते हैं एट अ डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं आर, डिस्टेंस बिटवीन आर वन टू, तो जो हमने अभी डेरिवेशन करी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन एंड टू कितनी आई? माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर वन टू. नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थ्री मासेस, तीन मासेस हैं, ये रहा एम वन, ये रहा एम टू, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर वन टू. हम एक तीसरा मास और ले आए एम थ्री, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर वन थ्री, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर टू थ्री. देखो एम वन एम टू लाने के लिए पहले ही हमने इतना वर्क डन करा था, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन टू थ्री कैन बी रिटन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन एंड टू प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन एंड थ्री प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू एंड थ्री. ये देखो कितनी आई, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर वन टू. वन और थ्री, वन और थ्री की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम वन एम थ्री अपॉन आर वन थ्री, और एम टू एम थ्री की माइनस जी एम वन सॉरी एम टू एम थ्री अपॉन आर टू थ्री. सिमिलरली चार मासेस के लिए, और हमारे पास इसमें आएगा न्यूमेरिकल. फॉर एग्जाम्पल यू वन टू थ्री फोर, अगर चार मासेस हैं, हर एक का हर एक के साथ कॉम्बिनेशन कर लेंगे. पोटेंशियल एनर्जी वन से शुरू करते हैं, वन टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर. टू से शुरू करते हैं, टू वन हो गया, टू टू होगा नहीं, टू थ्री प्लस टू फोर. प्लस यू थ्री से शुरू करते हैं, थ्री वन हो गया, थ्री टू हो गया, थ्री थ्री होगा नहीं, थ्री फोर. फोर से शुरू करते हैं, कोई भी नहीं आएगा. फोर, फोर वन हो गया, फोर टू हो गया, फोर थ्री हो गया, फोर फोर होगा नहीं.